दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की कीज और वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और हम ये चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम बने, मेथड, जिसमें इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की कीज को कंपेयर किया जाए और उसकी वैल्यूज को कंपेयर किया जाए और रिजल्ट में हमें ट्रू और फॉल्स मिले। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की कीज और वैल्यूज इक्वल हों तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर इक्वल ना हो तो फिर हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले हम एक मेथड बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसका एक लॉन्ग मेथड बनाऊंगा ताकि उसमें आपको पूरा कोड का, प्रोग्राम का फ्लो पता चल सके। उसके बाद ये काम फिर हम किस तरह सिर्फ एक सिंगल लाइन के अंदर करेंगे उसको भी देखेंगे। और फिर नीचे मैंने इसी मेथड को कॉल कर दिया और उसमें ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पास करा दिए। यहाँ पर मैंने दोनों आर्गूमेंट्स इस फंक्शन के अंदर भी लिख लिए हैं। अब सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट टू जो हमारे पास है, इस ऑब्जेक्ट टू की हम कीज़ को गेट करेंगे। तो उसके लिए ये मेथड हमें क्या करेगा, ये मेथड हमें ऑब्जेक्ट कीज़ के अंदर, हम ऑब्जेक्ट टू को ले रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट टू यहाँ से ये वाला आ रहा है, तो हमें इसको, इस ऑब्जेक्ट को एक एरे में इसकी कीज़ को रिटर्न करके देगा। इसको हम कौन सा लॉक करके देखते हैं। ये देखें, इसने हमें हेयर और बेड, इसकी ऑब्जेक्ट टू है, ऑब्जेक्ट टू की हेयर और बेड इन दोनों कीज़ को एरे में बना के रिटर्न करके हमें यहाँ पे दे दिया है। तो ऑब्जेक्ट कीज़ को लेता है किसी भी ऑब्जेक्ट से। यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हमें इस एरे पे, ये कीज़ हमारे पास एरे बन चुका है, अब हम रिज़ल्ट बनाएंगे और रिज़ल्ट में हम कीज़ के अंदर एवरी का मेथड जो कि एरे के ऊपर लगता है वो मेथड हम यहाँ लेंगे, और इसके अंदर एक और मेथड हम पास करा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक मेथड बनाऊँगा चेक वैल्यूज़ के नाम से, और ये मेथड मैं इसमें पास कराऊँगा। अब यहाँ पे मैं एक और मेथड बनाता हूँ चेक वैल्यूज़, इसमें कीज़ आएंगी जो कि इसी मेथड से पास हो रही हैं, ये रिटर्न करके देता है एवरी हमें। यहाँ पे इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। एवरी जो है वो तीन चीज़ें आर्गूमेंट में लेता है, तो यहाँ पे ये इस फंक्शन के आर्गूमेंट में हमें कीज़ ऑटोमेटिकली देगा। अब यहाँ हम CLG करके देखेंगे पहले कि हमारे पास कीज़ में क्या आ रहा है। सेव करता हूँ, सेव करके यहाँ देखें तो सबसे पहले हेयर जो की है जो कि इस एरे के अंदर से हमें आ रही है, ये हमें दे रहा है। जो कि पहले एरे में हेयर था, अब ये इसने हमें की में इसको दे दिया। इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे अब मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ कंडीशन में मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्ट वन के अंदर चेक करो कि हैज़ ऑन प्रॉपर्टी की, ये वैल्यू इसमें है। और यहाँ पे एक CLG हम करा देते हैं जिसमें ये कहेगा हैज़ ऑन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट वन जो हमारे पास है, यहाँ पे हमें ये ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट वन, ओके, ऑब्जेक्ट वन, इसके अंदर चेक करो कि क्या ये की जो हेयर के नाम से आ रही थी वो इसमें है। अगर है तो ये हैज़ ऑन हमें रिटर्न करके देगा। इस ऑब्जेक्ट में चेक करो कि ये हेयर की इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो यहाँ पर है ये की, तो ये हमें रिटर्न करके देगा, और रिटर्न में ये कह रहा है कि हैज़ ऑन, क्योंकि ये ट्रू है तो इसलिए। अब एक कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे रिटर्न ये नहीं कराना है, हमें यहाँ पे कराना है ट्रू या फॉल्स रिटर्न कराना है। एक कंडीशन हम यहाँ पे और लगा देंगे एंड के साथ के, और चेक करो कि ऑब्जेक्ट वन के अंदर जो की है उसकी वैल्यू उस और उसकी टाइप ऑब्जेक्ट टू की के साथ मैच कर रही है या नहीं। अगर मैच कर रही है तो यहाँ हम रिटर्न करा देंगे ट्रू, वरना यहाँ पे एल्स में हम करा देंगे रिटर्न फॉल्स। इसको सेव करते हैं। अब ये देखिए, दोनों ये की हमारे पास जो आ रहे था, यहाँ पे दो आ रहे थे हेयर और बेड, ये हेयर पे भी चला, बेड पे भी चला, और दोनों पे उसने बोला कि हैज़ ऑन, हैज़ ऑन, यानी ये दोनों कीज़ इस ऑब्जेक्ट वन के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसको अब हम यहाँ से हटा देते हैं।
अब यहाँ पे हम कौंसल कराएंगे, रिटर्न करा सकते हैं रिजल्ट को, या फिर कौंसल भी करा सकते हैं। हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे रिजल्ट को, सेव करते हैं। कौंसल कराते हैं ताकि रिजल्ट हमें नजर आए, सेव करें। तो ये देखें ट्रू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका फ्लो समझ में आया। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कीज़ के ज़रिए इस ऑब्जेक्ट टू की जो कीज़ हैं उनको एरे में ले रहे हैं, फिर उस एरे के ऊपर हम एवरी फंक्शन चला रहे हैं, और एवरी फंक्शन के अंदर चेक वैल्यू का फंक्शन चला रहे हैं। चेक वैल्यू में कीज़ आ रही हैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से, इस एरे से उसकी की आ रही है। उसमें फिर हम ऑब्जेक्ट वन के ऊपर हैज़ ऑन प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट वन में चेक करो कि क्या ये की उसके अंदर मौजूद है। तो हेयर की और बेड की जो इन दोनों के अंदर है उसमें चेक कर रहा है, और ये भी कंडीशन हम में लगा रहे हैं कि और ये भी चेक करो कि ऑब्जेक्ट वन की जो उसकी वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट टू की के बराबर है या नहीं, ठीक है। अगर है तो ट्रू, वरना अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न कर दो। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि हम यहाँ पे मैं यहाँ पे ये देखें, इसने हमें ट्रू दिया है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर मौजूद हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक और आई, इट्स 1 o'clock, और इसको मैं कह देता हूँ टू, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, सेव करके देखें तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि इसके अंदर आई है और इसमें आई नहीं है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट टू को कंपेयर करा रहे हैं ऑब्जेक्ट वन से। इसको रिमूव करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एज लेता हूँ, एज 25 जो कि ऊपर भी है, ऑब्जेक्ट वन के अंदर भी है। इसको सेव करता हूँ तो ये ट्रू देगा अब हमें, और अगर मैं एज को 26 कर दूँ तो भी ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि वैल्यू सेम नहीं होगी, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं हमें, ठीक है। अब ये मेथड सिंगल लाइन में हम किस तरीके से लिखेंगे इस पूरे फ्लो को, सिंगल लाइन मेथड क्या है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। अब हमने इसी मेथड को सिंगल लाइन में कर दिया है, तो इसमें देखें वही ऑब्जेक्ट कीज इसके अंदर ऑब्जेक्ट टू को ले रहे हैं और ऑब्जेक्ट टू के एरे को ले रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट डॉट एवरी के मेथड को हमने कॉल कराया जो कि एरेज के ऊपर कॉल हो रहा है, और वहाँ पे कीज उसके अंदर दी ऑब्जेक्ट वन के अंदर, ऑब्जेक्ट वन के अंदर प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं कि हैज़ ऑन प्रॉपर्टी ये की इसमें मौजूद है। उसके बाद ये कंडीशन लगाइए, वही कंडीशन जो पहले फंक्शन में थी, एंड ऑब्जेक्ट वन की वैल्यू इक्वल टू और टाइप के साथ ऑब्जेक्ट टू की के साथ, ठीक है, इक्वल है यानी, और फिर उसको हमने कौनसल लॉग में रिटर्न करा दिया है। यहाँ पे वैल्यू देखें फॉल्स आ रही है भाई, 25 करेंगे, सेव करेंगे तो ट्रू हो जाएगी, और अगर इसको हटा देंगे तब भी ये ट्रू ही हमें रिटर्न करके देगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी और आपने इससे सीखा होगा कि किस तरीके से हम दो ऑब्जेक्ट्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर उसकी की और वैल्यूज के ऊपर कंपेयर करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।